गृह मंत्रालय का मरकज में शामिल लोगों पर बड़ा फैसला। मरकज में शामिल विदेशी नागरिक ब्लैकलिस्ट, 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। एमएचए में विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त, विदेशी जमातियों के 10 साल के लिए पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। जमातियों पर देश में कोरोना फैलाने का आरोप, 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमएचए में विदेशी जमातियों के जो पासपोर्ट हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय का, क्योंकि काफी समय से जो है इस जो मामले पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, बहुत ज्यादा जो वर्ड है जमाती, मरकज और ये सब यूज किए जा रहे थे, और अब ये बड़ा फैसला, क्या अपडेट? देखिए मनीषा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सिफारिश की थी गृह मंत्रालय को, सिफारिश के अनुसार अब गृह मंत्रालय ने इन सभी लगभग 960 मरकज में शामिल हुए लोग के, उनमें से 723 जो जमाती लोग के, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अब वो नहीं जा पाएंगे, और साथ में ही जो विदेशी लोग हैं जो भारत में आए हुए थे, उनको आजीवन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अब वो भारत नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके की कार्रवाई की गई है। जो विदेश से आए हुए लोग थे उनके खिलाफ अलग अलग देश के कानून के तहत करीबन ऐसे 14 कानून हैं जिनके तहत कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने भी इस पूरे मामले में जो जांच है वो काफी तेज कर दी है, और क्राइम ब्रांच की तरफ तो ये कहना है कि जो मौलाना साद हैं जो कि इस मरकज के मुखिया माने जाते हैं, वो फिलहाल अभी भी दिल्ली पुलिस से भाग रहे हैं। उन्होंने कोरोना का टेस्ट अब तक नहीं कराया और रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो एक्शन है गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि अब इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम है बड़े लेवल पे जहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो, उसको पूरी तरीके से उससे रोक लगेगी। बिल्कुल प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला, 10 साल के लिए पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं विदेशी जमातियों के।